वायरस फैलाने से पहले वुहान लैब के रिसर्चर हुए थे बीमार। कोरोना वायरस को लेकर फिर कटघरे में चीन। चीन की वुहान लैब से लीक हुआ था कोरोना वायरस। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने चीन में 2015 में कोरोना पर रिसर्च होने का किया था दावा। अमेरिका मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में वायरस को लेकर किया बड़ा खुलासा। वुहान में 8 दिसंबर 2019 को मिला था कोरोना का पहला केस। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने 3 रिसर्चर को नवंबर 2019 में अस्पताल में किया था भर्ती। चीनी वैज्ञानिक ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध में इसे जैविक हथियार बनाया जाए। कोरोना चीन का मैनमेड यानी कि तैयार किया गया वायरस हो सकता है। ये बात धीरे धीरे पुख्ता होती जा रही है। पहले ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने चीन पर 2015 में कोरोना पर रिसर्च होने का दावा किया था। अब अमेरिका मीडिया ने अपने रिपोर्ट्स में इस वायरस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दुनिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से बहुत जरूरी जानकारी छुपाई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने WHO को बताया था कि वुहान में कोरोना का पहला केस 8 दिसंबर 2019 को मिला था, जबकि वायरस के संक्रमण का मामला इससे पहले यानी कि 1 महीने पहले ही सामने आ गया था। चीन में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर को नवंबर 2019 में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। बीमारी के दौरान तीनों डॉक्टरों में कोरोना के लक्षण देखने को मिले। इसके बाद वुहान की लैब से वायरस के लीक होने का शक बढ़ गया। रिपोर्ट में बीमार पड़े रिसर्चर की संख्या, समय और उनके लक्षण भी बताए जा रहे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह रिपोर्ट उनके एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर ने उपलब्ध करवाई है। इसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि वुहान लैब के डॉक्टर रिसर्च करते समय बीमार हो गए हों। हमें इस बारे में स्ट्रिक्ट जानकारी मिली थी। कुछ समय पहले कोरोना वायरस पर अमेरिकी राष्ट्रपति के टॉप मेडिकल एडवाइजर एंथनी फॉस का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा था कि वो नहीं मानते कि वायरस अपने आप पैदा हो सकता है, इसकी जांच की जानी चाहिए। कई देश WHO से कोरोना वायरस की चीनी लैब से संबंध होने की स्वतंत्र जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले जनवरी में तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक फैक्ट शीट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि वुहान लैब के रिसर्चर में कोरोना के लक्षण देखे गए हैं। अमेरिकी मीडिया की इस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता। पिछले साल अमेरिका के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कोरोना को चीनी वायरस कहा था। उन्होंने कहा था ये चीन की लैब से तैयार किया गया है और इसकी वजह से दुनिया का हेल्थ सेक्टर तबाह हो रहा है, कई देशों की इकोनॉमी इसे संभाली नहीं पाएगी। ट्रंप ने यहां तक ये भी कह दिया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास इसके सबूत हैं और वक्त आने पर वो दुनिया के सामने इसे एक्सपोज करेंगे। लेकिन ट्रंप चुनाव हार गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इस पर कोई भी सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि ब्लूमबर्ग ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट में इस तरफ इशारा किया था कि अमेरिका इस मामले में बहुत तेजी और गंभीरता से जांच कर रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने यह दावा किया था कि कोरोना वायरस 2020 में अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी तैयारी चीन 2015 से कर रहा है। चीन की सेना 6 साल पहले से ही COVID-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। द वीकेंड ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया। रिपोर्ट में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि चीन 6 साल पहले ही सॉर्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक और हेल्थ ऑफिसर्स 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर सकते हैं। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध में इसे जैविक हथियार की तरह उपयोग किया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इसमें हेराफेर करके इसे महामारी के तौर पर कैसे बदला जा सके। रिपोर्ट में इस बात पर भी सवाल उठाया गया था कि जब वायरस की जांच करने की बात आती है तो चीन पीछे क्यों हट जाता है। ऑस्ट्रेलिया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रॉबर्ट ने बताया कि यह वायरस किसी चमगादड़ के मार्केट से नहीं फैला। ये एक थ्योरी है जो पूरी तरह गलत है। चीनी रिसर्च पेपर पर गहरी स्टडी करने के बाद रॉबर्ट ने कहा, वो सर्च पेपर बिल्कुल सही है, हम चीन के रिसर्च पेपर पर अध्ययन करते रहते हैं। इससे पता चलता है कि चीनी वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट ऑन एयर भारत।